और सुनो सब बढ़िया, तुम्हारा हो या ना हो आज तो बढ़िया दिन है भाई, आज फिर बढ़िया दिन है। देखा तुमने क्या हुआ है, हाउसफुल 4 का ट्रेलर आ गया। और नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि जब मेरे को पता चला था कॉन्सेप्ट क्या है हाउसफुल 4 का, कि पुराना जमाना और नया जमाना दिखाएंगे, मेरे को पहले टाइम ही पता था फ्लॉप होगी, ये थॉट था मेरा। पर फिर आज ट्रेलर देखा मैंने, बहुत कम होता जहाँ पे मैं गलत होता हूँ बट मैं गलत लग रहा हूँ, मैं क्या ट्रेलर है क्या ट्रेलर है, एनिमेशन वीक है बट डायलॉग्स स्टोरी लाइन पावरफुल लग रही है, प्लस स्पूफ लग रहा है, लिटरली ना ये मूवी स्पूफ लग रही है मुझे बाहुबली और पद्मावत की। और एक मिनट, तुम डिनाई नहीं कर सकते, ये तुमने भी नोटिस किया होगा, शाहिद कपूर दीपिका से मिलता है जंगल में, डिट्टो वही सीन आता है, उसके बाद क्या डायलॉग आता है, क्या डायलॉग आता भाई साहब, क्या डायलॉग। बट सीरियसली कितना अमेजिंग ट्रेलर है भाई, अक्षय कुमार नेल्ड इट ब्रो, अक्षय कुमार ने इतनी सुपर हिट कॉमेडी फिल्म देना, तो कॉमेडी में उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट अभी देशभक्त में कूद गए थे तो वहां पे भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट जब वापस आए अपनी फील्ड में तो डिसअपॉइंट नहीं किया। और मैं एक मिनट, मैं किसी की सुनूंगा भी नहीं इस पर, तुम्हारा चाहिए भी नहीं ओपिनियन, चाहे तुम एग्री करो डिसएग्री करो, मैं सही हूं। अक्की फैंस लीव अ लाइक, क्योंकि थोड़ी देर में गाली देने वाले, तो मुझे तारीफ कर दी ना मैंने किसी की, मैं लेने वाला हूँ बहुत तगड़ी। मतलब तुम्हें याद है जब मैं डबल मीनिंग सीरीज बनाता था, सबसे ज्यादा गाने हमने जो डबल मीनिंग कवर किए हैं उसमें सिर्फ एक ही बंदा डोमिनेट करता है, अक्षय पात्र। और मैं बोलता रहा बस ये दिखावा कर रहे हैं देशभक्ति का, असली था जानवर है इनके अंदर, बस इनको मौका चाहिए था, आज उबल के बाहर आ गया भाई साहब। डायलॉग सुने तुमने, अक्षय कुमार आता है, कृति शैनन पास आ रही होती है, हाथ हाथ में मकड़ी चल रही होती है, महंगी वाली, सस्ती वाली नहीं, महंगी वाली, क्योंकि फॉरेन की शूटिंग होगी पक्का, तो भाई साहब मुंह से फेंक देते हैं। और कृति शैनन कहती है किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं मैं तुम्हारा, इसी मुंह से कर दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ पापा रंजीत भी है इसमें तो डायलॉग डाल देते इसके बाद। और इवन पापा रंजीत नहीं डालने थे तो अक्षय भी अच्छी मिमिक्री करता है बे। कट, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन में रितेश देशमुख पागलों की तरह कूद कूद के नाच रहे, क्योंकि सेंस तो क्लासिक डांस का बना नहीं, कॉमेडी के लिए कर रहा है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद एक और डायलॉग आता है, फूलो फलो, अरे कोने में तो चलो, कोने में क्या रखा है, हैं? वो खड़े होके मूतेगी कोने में और अगर तुम्हें मूतना नहीं कोने में तो करना क्या चाहती हो तुम लड़की के साथ कोने में बे? जनता जवाब थाईनी नहीं मल रहा, जनता जवाब चाहती है पापी लोगो। और एक मिनट, अगर तुम्हें लग रहा है संस्कारी डायलॉग है, बाकी दोनों को फूलो फलो बोला, और जिसको बोला ना कोने में चलो, उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली आशीर्वाद वही लगेगा। फूलो फलो अबे चुप, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा ये, आज हम अपनी शाही तलवार नहीं लाए, नितेश देशमुख लाए हैं। अबे वो वाला नहीं बे, मेरे को एक, मैं अगर यही बात करता हूँ ना साले, तुम सब मुझे ठरकी बोलते हो, यहाँ पे नेशनल टीवी पे चलेगा और थिएटर में चलेगा, तुम पैसा दे के जाओगे देखने के लिए, क्यों अक्षय कुमार रितेश देशमुख क्या लाए हैं भाई साहब, वहीं से निकालता है, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा वर्ड भाई साहब, क्या गांड में घुसेड़ रखी थी तूने। कौन है ये लोग और क्या क्या छुपा रखा था खाने में? नहीं सर, एक आपकी तलवार थी पिछवाड़े में, एक अपनी छोटी सी तलवार है, तलवार भी नहीं चाकू कहते हैं उसे, कौन बोला? मतलब देखो, अगर तुम ये जोक समझे नहीं ना, कैसे समझोगे तुम लुल्ली वाले हो, छोटे लुल्ली वाले, चल निकल यहाँ से, तुझे मर्च में नहीं खरीदना, तू पहले ही निकल साले, पहली फुर्सत में निकल, neoyahi.com/shop, बाकी लोगो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ए बॉय निकल लो, पहली फुर्सत में निकल। अब तो मैंने जितने भी डायलॉग सुने ना, सारे डायलॉग सुनने के बाद दिल से एक ही आवाज आई है, ये नहीं बे असली है ये लोडा। बट फिर एक डायलॉग आया जो मुझे ऑफेंड कर गया पर्सनली, जब पापा रंजीत कहते हैं ये तक लिया, तेरा बाप तक लिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, अक्षय कुमार वाला मेरा भी रिएक्शन, तेरा बाप होगा तक लिया, और मुझे मालूम है अब मैंने बोल दिया ना, अब सारा कमेंट सेक्शन तकलिया से भरा होगा, पापी लोग, साले कुत्तों की जिंदगी टुकड़े टुकड़े कर दिए, बहन से शादी कर रहे हो फिर साली को किस भी कर रहे, अरे साली आधी घरवाली मान लिया, पर अक्षय बाजी कंट्रोल यार, कंट्रोल उदय, वो जमाना चला गया आपका, आप देश भाग तो नहीं, भाभी जी किवाड़ को बंद करी, ठीक है मैंने अभी डायलॉग मारा, बट इतनी जल्दी कौन बदलता है बे, मैंने मना क्या किया भाई ने, भाभी बना लिया अपनी होने वाली बीवी को, और एक्चुअली ना मेरा यही पॉइंट है, इसकी बीवी इसकी नहीं तेरी बीवी है, और मेरी वाली मेरी नहीं वो इसकी बीवी है, और तेरी बीवी है ना वो तेरी नहीं वो मेरी बीवी है, भाई साहब ग्रुप सेक्स करना तुम पहले बोल दो यार, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, चल भाई साहब, सही चल रहा था सब कुछ, ट्रेलर सही चल रहा था, कॉन्सेप्ट जोक्स डायलॉग्स स्क्रीन प्ले और जितना भी था ना, सारे एक्टर फैबुलस थे, फिर टाइम आता है 2:59 और फिर सारा फोकस गायब हो जाता है, क्योंकि स्वयं प्रभु आए हैं, भगवान गणेश गाय तुंडे भाऊ चांद से उतरे स्पेशली शूटिंग के लिए। कभी कभी लगता है अपने भगवान है जी भाई, याद कर तू भांड है और तू क्या देगी क्या
क्या मेरे को नहीं आया समझ में? किसी को आया कमेंट करो, बताओ मुझे, जानना है मुझे। ऐसा क्या है जो अक्षय पाजी ने बोलने नहीं दिया, रितेश को जनता जवाब चाहती है। सही जवाब देने वाले को मिलेगा कुछ नहीं। अक्षय कुमार तोड़ियो है, मान लिया हम दोनों ने अश्लीलता भरी है तुम्हारी जिंदगी में, बट उनके पास पैसे हैं, मैं अभी भी गरीब हूँ, 1 लाख नहीं बना रहा मैं, पापी लोग। हम शुद्ध गरीब है। मुझसे रिलेटेड तो पहली चीज ये क्यों कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। सो अभी 29 तारीख को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं बता रहा, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ और लिमिटेड टाइम के लिए जा रहा हूँ, तो उस पीरियड में भी वीडियो अपलोड होती रहे वो मेरे लिए जरूरी है। और कल की वीडियो में एक बंदे ने मुझे सजेशन दिया था Q&A का, क्योंकि उसने बोला उसे Q&A चाहिए, सजेशन नहीं था बट उसने यही बोला Q&A करते हैं। तो अगर तुम्हारे को पास कोई भी ऐसा सवाल है जो तुम उससे जानना चाहते हो, सीरियस नॉन सीरियस फालतू है तो ज़्यादा मजा आएगा, मेरे को करने में भी वीडियो बनाने में मजा आएगा, तुम्हें देखने में मजा आएगा, बट अगर कुछ भी है तो पूछ मारो। और अगर तुम पहली बार ही आए हो इस वीडियो पर और तुम्हारे पास बेसिक क्वेश्चन है, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं कब हिलाता हूँ, तो पुरानी Q&A देखो, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी तुम्हें, आई बटन में भी नहीं दूंगा, मेहनत करो, जाओ पहले प्लेलिस्ट देखो और उसके बाद mayogyani.com/shop लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अगर तुम कुछ भी जानना चाहते हो मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में या इन वीडियोस के बारे में, कमेंट करो और शायद मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर दूं। और क्योंकि जब तक तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कल के लिए मेरे पास अगेन ओपनिंग टॉपिक है और एंडिंग टॉपिक है, तो अभी 2-3 दिन के लिए मेरे को 2-3 फिक्स टॉपिक यूज करने होंगे जिसमें मुझे पता है कि ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे बाहर वाले, बट जो मेरी कोर ऑडियंस है वो बड़ा इंटरेस्ट लेती है। तो मेरे सपने और मेरी कहानी, ये दोनों चीज़ ऐसी है जो तुम सुनना चाहते हो और मैंने बहुत टाइम से किया भी नहीं है। सो अगर मेरी कहानी करते मैं तुम्हें एक ऐसी गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊंगा जो टैटू वाली गर्ल से पहले थी और लास्ट जिसको तुम जानते हो उसके बाद, जिसके बारे में मैंने स्किप कर दिया था, और मैं उसको जॉन सीना कहूंगा क्योंकि वो क्रिश्चियन थी। उसके बारे में मैंने सिर्फ इसलिए डिले किया था कि मैं चाह रहा था, उसके साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चाह रहा था कैमरे पे लाने के लिए इसको, भाव उस बढ़िया सबके, मैं जिन इनके टट्टे इतने भारी है ना, इतने भारी है जबकि हैं भी नहीं, मैं हिला ले वेंचर, मैं जॉन सीना बना देगा तेरे को। सो अगर तुम वो कहानी सुनना चाहो या तुम एक और हॉरर मूवी सुनना चाहो या सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री सुनना चाहो तो मेरे पास मेरे सपने भी हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन। सो लेट मी नो, अगर तुम्हारे पास सवाल नहीं तो मेरा इसमें हेल्प कर सकते हो कि तुम बताओ क्या करूं, मैं मेरी कहानी करूं कि मेरे सपने करूं, प्लीज हेल्प मी, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। आई नो तुम बहुत ज्यादा रोती हो कि मैं मर्च बहुत ज्यादा मारता हूं, वो इसलिए क्योंकि पहला कुछ लोग बाय नहीं कर सकते बट उनको सुनने में मजा आता है, दूसरा अगर किसी को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है तो बाकी यूट्यूबर के साथ जाता है, पैसे देता है, काम करा देता है या एड्स लगा देता है, मैं उनमें से कुछ भी नहीं कर सकता, ले देंगे मेरे पास यही बचा है और सिर्फ इतना ही रीच बचा है तो करना पड़ता है मुझे। एंड डोंट वरी, कुछ दिन की बात है, 30 तारीख को हम लोग वेबसाइट फिर से डाउन करेंगे कुछ समय के लिए, 2 अक्टूबर को वापस लाइव होगी और इस बार हम कुछ नए डिज़ाइन लाएंगे जो मेरे से रिलेटेड होंगे, मेरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होंगे या ऑडियंस से रिलेटेड होंगे। सो हाँ, अभी तक हम डायलॉग रिलेटेड कर रहे थे बट अब मैं सोच रहा हूँ कुछ अपना पर्सनैलिटी भी डालते इसमें, तो कुछ नए डिज़ाइन होंगे, प्राइसिंग चेंज हो रही होगी फिर से क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ इश्यूज आए हैं डिलीवरी के साथ, तो शायद प्राइस ऊपर जा सकते हैं या प्राइस नीचे जा सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ, जैसे ही होगा तो मैं दिख जाएगा, मैं खुद बता दूंगा। तो मर्च प्लग होती रहेंगी बट हाँ डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा 3 बार से ऊपर ना मारूं, बट अब क्योंकि उसके बारे में बात कर रहे हैं तो mayogyani.com/shop लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्रो। लास्ट चीज जो मैं ऑलमोस्ट 3-4 बार फ्राइडे स्पेशल में बात कर चुका हूँ वो ये कि गाना म्यूजिक वीडियो कब आएगी। सो यार एक गाना है मेरा शादी के बाद जो पिछले साल से पेंडिंग है, द ओनली रीजन कि उस गाने को शूट करने के लिए हमें हाई बजट चाहिए बट हम ज्यादा खर्चा करना नहीं चाहते उस गाने पे क्योंकि वो म्यूजिक जो है वो इंग्लिश सॉन्ग की है, कॉपीराइटेड म्यूजिक है और अगर हम पैसा खर्च भी करते हैं तो उस पर मैं 1 रुपये भी नहीं बना रहूंगा। दूसरा जो मेरे के साथ म्यूजिक वीडियो शूट करता है वो जयपुर में, सो वो भी बिजी चल रहा है, उसके पास भी टाइम नहीं है, तो मुझे दिल्ली में भी रहते हुए बहुत लोगों को कॉन्टैक्ट करना पड़ा बट फिर चैनल डेड होने लग गया, फिर मैं दिन में लाइव स्ट्रीम करने लग गया, फिर मैं टिकटॉक पे भी हूँ, मतलब लिटरली मैं इतनी जगह पर टांग घुसेड़ के बैठा हुआ हूँ कि मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी कि मैं इस चैनल को रिवाइव कर सकूँ जो अब ठीक है थोड़ा नॉर्मल आ चुका है, मतलब बिलो एन एवरेज है बट ठीक है चल रहा है। अब बताइए तो मैं 1 लाख तो बना नहीं रहा, तो मेरे को मेन यही चलाना है, बाकी सब अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जस्ट इन केस ये मरा तो वहाँ मिलूंगा इतनी सी बात। सो ये गाना मुझे करना है और इसी गाने को शूट करने की हम कोशिश करेंगे बट मैं 90% श्योर हूँ कि हम लो बजट करेंगे, सिंपल म्यूजिक वीडियो बनाएंगे और फकअप होगा जिससे मैं देख के खुश नहीं होऊंगा, तो मेरे को एक और गाना करना पड़ेगा। गाने का आइडिया क्या? ठरकी भी चलेगा।
कर दो 48 घंटे गाना लिखने और रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास। मिक्सिंग तो बाद में कर लेंगे, म्यूजिक वीडियो भी शूट करने उसके बाद। एक गाना करना है भाई, अपलोड मारना बहुत टाइम हो गया, सदियां बीत गई गाना अपलोड किए हुए, समझ गए? जाओ हिलो, क्योंकि इजी रोड पे गाइड बोल रहा है ये एपिसोड इनकम कर रहा है। आई होप तुम लोग एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, चेक आउट mohojmeoghiani.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम प्लान कर रहे हो कुछ बाय करने का Amazon या Flipkart से, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे यूज करो, दैट विल सपोर्ट मी दीस वीडियोस एंड फ्यूचर वीडियोस प्लस मेरी ट्रैवलिंग प्लस मर्च, क्योंकि मर्च खुद तो सर्वाइव कर नहीं सकती। आओ मजे, सॉरी, जाओ फिर मैं मिलता हूं कल, तब तक के लिए peace out. I don't need your endorsement, I don't need reinforcement, giving you your last warning, cause I'm... आज का ज्ञान, अगर कढ़ाई गर्म हो तो उसमें तेल डालो, लड़की गर्म हो तो पेल डालो। True story bro. Wow, man.